प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम एक सप्ताह से बहुत परेशान थे, नहीं आपके लिए स्टूडियो जो बनाना था, आज लगभग आपका स्टूडियो बन चुका है। क्योंकि जहाँ से हम आपके लिए क्लास देते थे, लाइव करने का प्रयास किए थे, बहुत प्रयास किए हम, है ना, बहुत प्रयास किए, लेकिन नेट का कनेक्शन साथ नहीं दिया, नेट हमेशा बफलिंग करता था। नतीजा पटना में हमें स्टूडियो बनाना पड़ा और मैंने स्टूडियो डेवलप किया, ठीक है, और लगभग सारा चीज़ यहाँ पे हो चुका है, सिर्फ नेट कनेक्शन लगना बाकी है, वो भी आज शाम तक लग जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग का प्यार, आप लोग का लगाव देखकर हम डरने लगे हैं कि कहीं पढ़ाने में, आप लोग को कुछ देने में मेरे तरफ से कोई कमी न रह जाए। सचमुच आपका कॉमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में कहीं ना मेरे पढ़ाई में कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि निकल जाए, बस ये भय हमेशा हमें सताते रहता है, ठीक है। और हम उम्मीद करेंगे कि यह लगाव, यह प्यार आपका मेरे तरफ बना रहेगा। दोस्तों, आज रेलवे का एग्ज़ाम, एलपी का एग्ज़ाम 24 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन वह डेट अब 24 नहीं, 21 जनवरी 22-23 को होने वाला है। मतलब डेट आपको अच्छा खासा मिल गया और हमें भी आपको कुछ देने के लिए एक टाइम मिल गया। साथ ही साथ वो क्लियर भी कर चुका है, सिलेबस भी क्लियर कर चुका है कि आपसे वो पूछेगा मैथ में टोटल 25, रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन, और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से टोटल 40 क्वेश्चन, जीए और करेंट अफेयर्स मिलाकर 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन आपसे करेगा, मतलब वो सिलेबस भी रेलवे एएलपी का सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होना है, मतलब CBT 2 का जो एग्ज़ाम होना है ना, वो अब इस डेट को होगा, ठीक है। और इस डेट के होने के वजह से हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ी खामियां हम में एक होती है कि जो ही डेट मिलता है, समय आगे मिलता है, तो हमें लगता है कि अभी तो अब बहुत दिन है, और अपना हम कार्य को धीमा कर देते हैं। आपकी तैयारी में कमी नहीं आना चाहिए, पहले से भी जोश दोगुना होना चाहिए, है ना, बिल्कुल और बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह बीमारी हर एक इंसान को होता है, ऐसा कल से शुरू कर भी, अब तो टाइम मिल ही गया, ना ना कल होता है तो ना परसों से शुरू कर भी, परसों होता है तो लगता है ना 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 अगला दिन से, इस प्रकार से समय बीतते जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपके बीच हम अपने इस नए स्टूडियो से लाइव आएंगे, और लोग भी, मैंने और सारे जो टीचर हैं जैसे इम्पोर्टेंट्स लोग भी आपके बीच होंगे, ठीक है। ये बहुत खुशी हमें लग रही है, और आप लोग का परिवार भी 2 लाख पार कर चुका है, मीन्स सब्सक्राइबर भी 2 लाख से ऊपर हो चुका है, ठीक है, ये और खुशी की बात है। तो हम चाहेंगे, टाइम एंड वर्क का सीरीज मैंने चलाया है, वो मैथ क्रैश का जो हम क्लास में हम ले रहे हैं, है ना, उसी का हम लाइव आपके बीच हम दे दिए हैं। और जैसा कि टाइम एंड वर्क का है ना, 1, 2, 3 और आज अभी जस्ट, है ना, हम 4th क्लास को भी लाइव आपके बीच कर दिए हैं। आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम होगा, लेकिन कंसेप्ट सारा क्लियर हम करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है, आप इसे ज़रूर देख लेंगे। और ये भी आपसे अपेक्षा करेंगे हम कि अपने फ्रेंडों में भी इसे आप शेयर कर देंगे, ताकि जितना अधिक से अधिक
विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो आज स्टूडियो जो डेवलप आपके लिए हम कर रहे हैं, है ना, ये जो स्टूडियो मैंने बनाया, कहीं ना कहीं आपका प्यार है, आपका लगाव है जो यहाँ तक हमें खींच रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए और भी नए नए पैकेज हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे अभी, हम मुझे ऐसा लगा थके हुए थे, एक सप्ताह से पूरा इसमें लगे हुए थे कि ऐसे ऐसे कहाँ क्या करना है, लाइट सेटअप, ये सेटअप, नेट सेटअप, है ना। तो थोड़ा सा सोचे कि दो मिनट आपके बीच हम आ जाएं, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।